वाली वीडियो में पहला चैप्टर न्यूमेरिकल तो कुछ हल कर लिया होगा, और भी जो समस्याएं होंगी आप उसको व्हाट्सएप द्वारा जान सकते हैं। अब आपका अगला अध्याय है वैद्युत फलक तथा गॉस का परिमेय या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स तथा गॉस थ्योरम। जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, या कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का परिमेय। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि या कह सकते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर या उसे कहते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर या इसे कहा जाता है एरिया वेक्टर, है ना। कि किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल पर बाहर की ओर जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा पर निर्भर करती है। जैसे आपका ये है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ए है, ठीक। अब इसकी जो दिशा होगी, क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, अभिलंब दिशा इधर हो जाएगी, वेक्टर यानी कि इधर वेक्टर, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। अब इसका दिशा, इसको हम यहाँ कैप, यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर ए से ज्वाइंट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए कैप, एकांक वेक्टर होता है ये क्या होता है, एकांक वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए बराबर आपका हो जाएगा यन कैप इंटू ए, यन कैप इंटू ये आपका होता है क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर में किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब पर निर्भर करती है, खींचे गए अभिलंब की दिशा को व्यक्त करती है, या उसे कह सकते हैं निर्भर करती है। उसके बाद होता है घनकोण। घनकोण क्या होता है, किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, इस कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोण बराबर आप सोच पड़े होंगे, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो इसमें सबसे पहले आप बता दें समतलीय कोण क्या होता है, समतलीय कोण। तो समतलीय कोण में आपको होता है, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त, इसका यहां कहीं केंद्र है। तो परिभाषा के अनुसार बताया गया, वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर, वृत्त का चाप, जैसे मान लीजिए यहां पे आपका ए बिंदु है ए, ये हो गया बी, ये वृत्त का चाप हो गया, वृत्त का चाप यहां से लेके यहां तक का ये वृत्त का क्या है, चाप, ये वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र मतलब यहां पर ये कोण वो है केंद्र है, वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, क्या करता है, ये कोण अंतरित करता है, कौन सा, ये कोण अंतरित कर रहा है, ये कोण अंतरित करता है, इस कोण को समतलीय कोण कहते हैं, इस कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं, ठीक है। तो कोण बराबर आपको होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब चाप यहां से ये यहां तक मान लिया हो गया और ये त्रिज्या हो गई, तो आप हो जाएगा कोण थीटा बराबर, कोण को थीटा मान लिया गया, जिसको थीटा मान लिया गया तो थीटा बराबर आप हो जाएगा यस अपान आर, थीटा बराबर यस अपान आर, या इसको डेल्टा एस भी कह सकते हैं, यहाँ से चाप की लंबाई डेल्टा एस अपान आर। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन,
इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, ठीक, इसका मात्रक रेडियन हो जाएगा। अब इसी में आपका होता घन कोण। घन कोण क्या होता, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। अब तक क्या था, वृत्त था, वृत्त था, वृत्त का चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता था वो समतलीय कोण कहलाता था। अब यहाँ पे यह है गोले का केंद्र, पूरा गोला है, यानी कि आप मान लीजिए आपका गेंद भक्तो गेंद जैसा है ना, गेंद जो आपका है उसका एक भाग काट लिया जाए वो जितना कोण अंतरित करेगा केंद्र पर उसे कहा जाएगा क्या चीज, घन कोण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें घन कोण, ये आपका गोला है पूरा, ये भर्तु समझ लीजिए है, इस पे एक भाग यहाँ पे ये है, ये एक भाग है, ये एक भाग है, ये गोले के केंद्र पर मान लिया केंद्र है इसका, ये गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है, ये गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है ये वाला भाग, ये भाग जो कोण अंतरित कर रहा है इसे कहा जाए क्या जी, घन कोण कहते हैं, कहते क्या जी, घन कोण। जैसे मान लीजिए कोई चीज वस्तु है गोल सा पूरा बना है, उसमें आप लोग देखे होंगे मूंगफली का ठोंगा जो होता है जिसमें मूंगफली रखा जाता है वो इस प्रकार से उसे काट के निकाल लिया गया, ऊपर चौड़ा देखते हैं नीचे पतला होता ना, तो आप उस प्रकार से उसे काट के निकाल लिया गया मूंगफली ठोंगा, आपने देखा होगा ऐसे बना होता है, ये ऐसे बना होता मूंगफली ठोंगा, तो ये पार्ट ऐसे काट के निकाला गया, ये पार्ट जब काट के निकाला गया तो ये जो कोण इतना जब निकल गया ये, तो यहाँ पर इतना खाली हो गया पार्ट, इतना पार्ट ये खाली हो गया, तो जो ये कोण जितना खाली हो रहा है वो जो गोले पे कोण बना रहा है, जैसे कि अब आपका बन गया गोला पूरा, अब यहाँ से इतना पार्ट ये खाली हो गया, ये इतना पार्ट बचा है, इतना पार्ट ये निकाल लिया गया, तो ये जो पार्ट निकाला जा रहा है, ये जो भाग निकाला जा रहा है, ये इसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात ना, क्या कहा जाता है क्या चीज, घन कोण। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे कहा जाता है क्या, घन कोण कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक आपका होता है स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, और इसे हम व्यक्त करते हैं आपका ओमेगा से, इसे व्यक्त किया जाता है ओमेगा से, ये ओमेगा अच्छा से व्यक्त किया जाता है। ठीक, घन कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब मान लेते हैं, देखिए इसका डेरिवेशन थोड़ा सा है, तो आपका एक ये गोला बनाया गया, इसका केंद्र यहां पे है, यहां पे एक भाग लिया गया इसका, ये वो है कि इसमें कहा गया डी ओमेगा, कहा गया क्या जी, डी ओमेगा, ये आर त्रिज्या है और ये है डी ए, एक छोटा सा अवयव है डी ए है। ठीक, एक छोटा सा अवयव लिया गया डी ए, वो इस पे जो कोण बना रहा है डी ओमेगा कोण बना रहा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है आर है, ये वो क्या है, वृत्त का केंद्र। माना गोले का केंद्र क्या है, ओ है, मान लेते हैं यहाँ पे गोले का केंद्र क्या है, ओ है, त्रिज्या कितनी है आर है, माना गोले का केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है, माना गोले का केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है, क्षेत्रफल अवयव क्या है, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्र फल अवयव डी ए, कितना है, क्षेत्रफल अवयव डी ए है, डी ए के परसीमा के बिंदुओं से, डी ए है, डी ए की परसीमा, डी ए की परसीमा
के बिंदुओं से होकर परिसीमा के बिंदुओं से होकर समझ आता है, परिसीमा के बिंदुओं से होकर केंद्र को मिलाए तो, केंद्र को मिलाए तो ओ पर गोलीय क्षेत्रफल डीए, ओ पर एक घनकोण डी ओमेगा अंतरित होता है। अगर इसको बिंदुओं से होकर मिलाएं, डी से होकर आपको केंद्र के बिंदुओं को मिलाएं, कहां पे मिलाएं, बिंदुओं को से होकर केंद्र को मिलाएं, जो ये मिलाया गया मिलाएं तो केंद्र पर एक घन कोण डी ओमेगा अंतरित होता है, ठीक है ना, डी ओमेगा अंतरित होता है। गोलीय समतल, गोलीय समतल डी ए, गोलीय क्षेत्रफल समतल नहीं क्षेत्रफल, गोलीय क्षेत्रफल डी ए त्रिज्या के वर्ग के अनुपातानुपाती होता है। अब यहां पर आप हो जाएगा गोलीय, गोलीय क्षेत्रफल डी ए गोले की त्रिज्या आर के त्रिज्या आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक समझ में आ रहा है ना। माना गोले का केंद्र वो है, त्रिज्या आर है, क्षेत्रफल डीए है, डीए की परिसीमा के बिंदुओं से होकर केंद्र को मिलाने तो केंद्र पर एक घनकोण डी ओमेगा अंतरित होता है, यहाँ पर डी ओमेगा अंतरित हो रहा है। गोलीय क्षेत्रफल डीए गोले के त्रिज्या वर्ग, त्रिज्या के वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डी ए इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डी ए अपान आर स्क्वायर इक्वल टू नियतांक, क्या हो जाएगा, डी ए अपान आर स्क्वायर इक्वल टू नियतांक होता है। यह निष्पत्ति ही डी ए द्वारा गोले के केंद्र पर घनकोण डी ओमेगा कहलाता है। जो ये निष्पत्ति हो रहा है डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ए अपान आर स्क्वायर, यही जो आपकी निष्पत्ति हो रहा है यही गोले के केंद्र ओ पर घनकोण कहलाता है। ये चीज क्या हो, गोले के केंद्र पर घनकोण कहलाता है। तो इसे कह सकते हैं डी ओमेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन हो जाएगा। अगर आप संपूर्ण गोला है, पूरा गोला है, पूरा गोला आवंटित कर रहा है, तो छोटा पार्ट था डी ए, छोटा सा आयो था, छोटा सा पार्ट था। लेकिन अगर पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल हो, संपूर्ण गोला हो, तो ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर आपका डी ए का स्थान कितना रख दिया जाएगा, 4πr³, 4πr³ अपान आर स्क्वायर, 4πr² अपान r² का एंसर, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 4π। यानी कि पूरे कोण पे अगर पूरा क्षेत्रफल ये पूरा गोला अगर इस पर केंद्र पर कोण अंकित करता है तो घन कोण का मान कितना हो जाएगा, 4π हो जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं अगर इसी में मान लिया क्षेत्रफल है डी ए एक बिंदु ओ से आर दूरी पर है, यहाँ पे एक चित्र और देखिए, अगर उस पर मान लीजिए वो सीधा ना हो के तिरछा हो, थोड़ा सा परछाई बन रही हो, तब क्या करेंगे, तब घनकोण का मान कितना होगा, इसमें अगर परछाई पड़ रही है, छाप पड़ रहा है, तो उस पर घनकोण का मान कितना होगा। देखिए एक चित्र बना लेते हैं, जैसे ये बना है,
ये हो रहा है, ये आपका ये जो परछाई दिख रही है आपका है डी ओमेगा कॉस थीटा। ठीक, ये आपका केंद्र O है, ये आपका डी ओमेगा है, इसकी त्रिज्या कितनी है R। ठीक, माना क्षेत्रफल आयो डी ए एक बिंदु ओ से आर दूरी पर है। क्षेत्रफल आयो डी ए जो है, ये क्षेत्रफल आयो डी ए है, एक बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। ठीक, जब आर दूरी पर है तो बिंदु ओ का क्षेत्रफल आयो, बिंदु ओ को क्षेत्रफल आयो डी ए से मिलाने वाली रेखा के अंदिश एक वेक्टर, डी ए से मिलाने वाली रेखा के अंदिश एक वेक्टर है जिसे हम एन कैप तथा डीए के बीच कोण थीटा बन रहा है, और एन कैप और डीए के बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा। यहाँ पर एन कैप और डीए के बीच में कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यदि थीटा कोण, यदि वो को हम केंद्र मानकर, यदि वो को केंद्र मानकर, जो वो है यहाँ पर केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए, आर त्रिज्या का एक गोला खींचे या खींचा जाए, तो डीए का क्षेत्रफल, डीए का जो है, डीए का गोले का पृष्ठ पर एक प्रक्षेप प्राप्त होता है, डीए के गोले के पृष्ठ पर एक प्रक्षेप प्राप्त होता है जिसे हम डीए कॉस थीटा कहते हैं, डीए कॉस थीटा कहते हैं। तो इस समय में जब डीए कॉस थीटा ये बन जा रहा है, ये वाला डीए कॉस थीटा बन जा रहा है, तो इस समय में घन कोण कितना होगा, तो डी ओमेगा बराबर आप हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस समय में आपका घन कोण कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। कब, जब ये इसको केंद्र मानकर एक गोला खींचा जाएगा इस पे, तो इस पे एक प्रक्षेप प्राप्त होगा, ये प्रक्षेप कितना होगा, डी ए कॉस थीटा होगा। किसका ये प्रक्षेप होगा, इस डी ए का प्रक्षेप होगा, ठीक है ना, इस डी ए का प्रक्षेप होगा। ये घन कोण कितना हो रहा है, डी ओमेगा हो रहा है, तो डी ओमेगा बराबर आप हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आप होता है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। ये सब तो अभी तक आपका था नॉर्मल चीज, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, घन कोण क्या होता है, ये सब तो आप समतलीय कोण क्या होता है, ये सब तो आप कक्षा 8 और 9 में पढ़े हुए होंगे और भी कक्षाओं में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जानकारी आपको चाहिए थी कि ताकि आपको जानकारी रहेगी, अगर भूल गए हो तो भी आपको रिविजन हो जाए, ठीक है न। तो अब आपका है विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक गुण है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का क्या है, ये गुण है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा होती है। विद्युत बल रेखाएं अगर पास पास हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा होती है। जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्याएं दूर दूर हैं, यदि विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र का एक गुण है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास हों, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। यदि कहीं पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होगी, ठीक है ना, या वहाँ पर कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र निर्बल होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, निर्बल होगा, कमजोर होगा। ठीक,
अब परिभाषा के हिसाब से, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, इसके हिसाब से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, किसी पृष्ठ पर काल्पनिक वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। कहें क्या जी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप होगी, माप होगी। इसे हम फाई ई से निरूपित करते हैं। वैद्युत फलक किसे व्यक्त किया जाता है, फाई ई, फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई ई बराबर आपको होता है ई इंटू डी ए, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब ई क्या है इसमें और डी ए क्या है, ई आपका है वैद्युत क्षेत्र, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है, और डी ए क्या है, डी ए यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है, डी ए क्या है पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है। इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, डी ए क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल है, यह सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, या कह सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर है, है ना, ये डी ए क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर है या क्षेत्रफल सदिश है। इसकी दिशा सदैव किधर होती है, बाहर की ओर होती है, सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक, इसकी दिशा किधर होगी, सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा, इसमें वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत फ्लक्स में देखिए पॉइंट है सब, अभी थोड़ी बाद में नोट करिए, पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं क्या चीज़ है। मान लीजिए आपका ये है, ये पृष्ठ है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र है इसमें ई, वैद्युत वेक्टर इसमें आपका ये क्या है डी ए, क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल है, और इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है ना। माना एक पृष्ठ और डीए है, माना एक पृष्ठ और क्या है डीए है, कि स्थित पर वैद्युत क्षेत्र ई है, माना एक पृष्ठ और लिख देते हम, माना एक पृष्ठ क्षेत्र फल आयो डीए है तथा वैद्युत क्षेत्र ई, क्या है वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई है, तब इस वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें तब क्या हो, स्केलर गुणन होता है, इसका स्केलर गुणन कितना हो जाए, इसका स्केलर गुणन, तब स्केलर गुणन इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, सदिश डी ए, इसके अलग गुणा कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो जाएगा। अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ये इस अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये तो एक अवयव से डी ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहला है, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको हो जाएगा ये इसका समाकलन, अब पूरा क्षेत्रफल कितना है ए है, तो पूरे फ्लक्स का मतलब इसका ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना था ए है, तो ए आपको दिखाया गया ये, इसका समाकलन करिए कितना हो जाएगा ई इंटू डी, ई इंटू डी, ई इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ बंद पृष्ठ, ये तो सीधे आपका खुला पृष्ठ से हो गया, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है,
तो बंद पृष्ठ मतलब समझ रहे हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरा हो, गुब्बारे में क्या हो, हवा भरा गया हो, तो उसका जो पृष्ठ होगा, गुब्बारे जो पृष्ठ होगा वो एक बंद पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है ना। तब पृष्ठ से होकर जाने वाला, बंद पृष्ठ होकर जाने वाला नेट विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई, फाई ई, यहां दिखा देते हैं बंद, यानी कि बंद पृष्ठ संबंधित फाई ई बराबर समाकलन, परिबद्ध समाकलन जिसे कहा जाएगा, क्या चीज, ये समाकलन, ये परिबद्ध समाकलन, परिबद्ध समाकलन ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ठीक। परिबद्ध समाकलन क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो जाता है। यदि क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल ए अगर है और वैद्युत क्षेत्र क्या है ई के साथ साथ थीटा कोण बना रहा हो, किसके साथ साथ, क्षेत्रफल ए के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र ई जो हो रहा है वो कितना कोण बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, ठीक है, तब आपको हो जाएगा ई इंटू डी ए, तब हो जाएगा ई वेक्टर ई इंटू डी ए इजकल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा समाकलन ये फाई ई इजकल टू आपको बन जाएगा ई इंटू डी ए, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा ये समाकलन ए, यहाँ हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब ई और डी ए कॉस थीटा तो इसमें कांस्टेंट हो रहा है, तो आपको बन जाएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ बन जाएगा आपका ई कॉस थीटा समाकलन आपको हो जाएगा ए इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ बराबर आपको हो जाएगा ई कॉस थीटा, इसका क्षेत्रफल का हो जाएगा इंटू ए, कितना हो जाएगा इंटू ए, तो इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा इसका ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर आप हो जाएगा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, कब, जब क्षेत्रफल ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक आध दो कंडीशन भी बन रहे हैं, कंडीशन आपको हो जाएगा जैसे ये फाई बराबर आपको हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, अगर थीटा बराबर अब आपका जीरो अंश हो, थीटा बराबर कितना हो, जीरो हो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल ये दोनों एक ही दिशा कोण बना रहे हैं, यानी कोण के बीच का एकदम एक ही दिशा में हो, इसलिए कोण का क्या हो, जीरो हो, तो जब कोण जीरो हो तो फाई ई बराबर आप हो जाएगा, फाई हो जाएगा ई इंटू ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान होता है एक, इतने का मान होता है कितना, एक होता है, तो आप सीधे लिख देंगे फाई ई बराबर ई इंटू ए, फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक। अब यदि इसी में देख लेते हो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 अंश हो, तो 90 अंश का मान कितना होता है, कॉस 90 का, तो आप हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान जीरो होता है, इसलिए फाई ई बराबर आप हो जाएगा जीरो, यानी कॉस 90 अंश पे अगर दोनों जिस प्रकार से हो, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, इधर आपका क्षेत्रफल हो, या ए यहाँ पे हो, ई यहाँ पे हो, तो दोनों यानी कि इसके बीच का कितना कोण बना हो, 90 अंश बन रहा हो, जब कोण इनके बीच 90 अंश बन रहा है तो इनका वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान, फाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपको हो जाएगा ये शून्य हो गया। यहाँ पे अगर जैसे हमने बताया अभी इसके पहले, अगर दोनों एक ही दिशा में है, ई भी इसी दिशा में है और ए भी इसी दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच जो कोण बन रहा था वो कोण कितना बन रहा, जीरो बन रहा, यानी थीटा बराबर कितना बना था, जीरो बना, उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम कैसे हो जाएगा, अभी आपने देखा इसका फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर आप हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, होता क्या चीज, इसका ई का मात्रक हो जाएगा आपका क्या चीज, न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम,
और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा जी मीटर स्क्वायर गुणे मीटर स्क्वायर, तो इसको हम ले सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये है, अगर वैद्युत फ्लक्स का कोई बीमा पूछ ले, बीमा वैद्युत फ्लक्स का बीमा पूछ ले, तो बीमा आपको हम निकाल लीजिएगा, इसको बता देते हैं यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री ई की पावर माइनस वन, यम एल स्क्वायर यम एल पावर थ्री टी पावर माइनस थ्री और ई की पावर माइनस वन, ठीक निकाल लेंगे ना, निकल जाएगा ना ये, चलो ठीक है देखो अगर नहीं निकलता देख लो कुछ लोग, यहाँ बल है, बल का होता है यम एल टी पावर माइनस टू, यम एल टी पावर माइनस टू होता बल का, यहाँ हो जाएगा मीटर, मीटर का हो जाएगा एल स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्या जी कूलम, कूलम का होता है एटी, क्या हो जाएगा एटी, तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा यम एल, यहाँ पे है एल स्क्वायर, यहाँ पर वन है, तो एल पावर कितना हो गया थ्री, टी माइनस है ये ऊपर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये होगा टी पावर माइनस थ्री और ये ऊपर है एक पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक ये आपका हो जाएगा यम एल स्क्वायर यम एल पावर थ्री टी पावर माइनस थ्री एक पावर माइनस वन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या जी वैद्युत फ्लक्स का बीमा हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें वैद्युत फ्लक्स में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में है पहला नोट है ध्यान से सुनिएगा, पहला नोट है वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते समय, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते समय वैद्युत क्षेत्र की सदिश एवं पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण थीटा होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते समय थीटा कह सकते हैं, जो थीटा होता है वो वैद्युत क्षेत्र सदिश एवं पृष्ठ क्षेत्र सदिश के बीच का कोण होता है। दूसरा पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है अदिश राशि होती है, पूछा जाता है एग्जाम में वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि होती है, तो ये एक अदिश राशि होती है, परंतु यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संभव है, एक अदिश राशि है लेकिन इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार से संभव है। किसी पृष्ठ से निर्गत, अगला पॉइंट, किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स को धनात्मक, किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स को धनात्मक, जबकि निवेशी निर्गत जो हो रहा उसे धनात्मक, जो बाहर निकल रहा है उसे धनात्मक कहा जाएगा वैद्युत फ्लक्स, जो निवेशी हो रहा आ रहा है ना, जो आ रहा है उसे कहा जाएगा ऋणात्मक, कहने का मतलब इनपुट को ऋणात्मक और आउटपुट को धनात्मक, अगर इनपुट हो रहा तो ऋणात्मक हो रहा, आउटपुट हो रहा वो धनात्मक हो रहा, ठीक है ना। आने वाला क्या है, किसी वैद्युत फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स को धनात्मक और निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक कहते हैं, निवेशी फ्लक्स के लिए थीटा अधिकतम, निवेशी फ्लक्स के लिए जो निवेशी हो रहा है आ रहा है उसके लिए थीटा का मान अधिकतम होगा, यानी कि वो थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा, थीटा का मान क्या होगा 90 अंश से अधिक होगा, तथा निर्गत फ्लक्स के लिए थीटा का मान न्यूनतम होता है, निर्गत फ्लक्स के लिए थीटा का मान क्या होता है न्यूनतम होता है, यानी कि 90 अंश से कम होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है पांचवा, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है तब वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य अथवा किसी भिन्न हो सकती है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता, यानी कि आपका कहा जा रहा है यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य हो भी सकता है या उसका मान कुछ और भी हो सकता है, कहने का मतलब वैद्युत फ्लक्स अगर शून्य है तो क्षेत्रफल शून्य नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो इन पांचों पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके विशेष काम देंगे, सवाल भी हल करने में सहायता देगा, ये इन पांचों पॉइंट को या आप याद रखिएगा विशेष तौर पे।
अब अगला पॉइंट आपका है इसमें, अब इसी में कुछ थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको। इसमें आपका अगला पॉइंट है गौसिय परिमेय, गौस का थ्योरम, मतलब गौसिय थ्योरम आपको अगले पॉइंट में लिखाएंगे, फिर उसका अनुप्रयोग है, ठीक है ना। गौस का थ्योरम है, फिर आगे अनुप्रयोग है, इसको हम आगे अध्याय में चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज इतने के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप। हाँ, जो बच्चे अभी तक अपना बोर्ड शुल्क या प्रमोशन शुल्क नहीं जमा किए हैं या प्रमोशन नहीं कराए हैं या एडमिशन नहीं कराए हैं, वो स्वयं करा लें आके, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।